गाइस, वेलकम टू अनिल किचन। अनिल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सब्जी लेकर आई हूँ। इस समय हरे चने जो होते हैं वो आ रहे हैं, और उनकी बहुत ही अच्छी एक सब्जी बनती है जिसको कई लोग हरे चने का निमोना भी बोलते हैं। मैं उसको हरे चने का निमोना ही बोलती हूँ। जैसे मैंने आपको एक हरी मटर का निमोना बनाना बताया था, वैसे इसका भी एक निमोना, एक सब्जी आप कह लें बनती है, तो वो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। वैसे भी सारे लोग घर पे हैं, तो ये सब रेसिपी बनाइए, ट्राई करिए, खाइए और अपना टाइम ऐसे ही पास करिए। कुछ अच्छा बना के अच्छा खाइए, खिलाइए। और चलिए देखते हैं इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें, किसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये सब्जी कैसे बनती है, और फटाफट से बनाते हैं अपनी ये हरे चने का निमोना। तो हरे चने के निमोना बनाने के लिए ये सारा सामान जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये हरा चना। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चना यूज़ किया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको धो लिया है। और अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये है आलू। तो आलू मैंने यहाँ पे, हमें आलू छोटे साइज़ के आलू हमें यहाँ पे लेने हैं। तो ये देखिए साइज़ मैंने इतने छोटे रखे हैं, आपको बहुत बड़े साइज़ का यहाँ पे शेप नहीं देना है आलू को। ये है प्याज, मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। ये है मेथी दाना सीड्स, और ये हमारे सूखे मसाले हैं। इसमें है धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च और सूखी लाल मिर्चें। तो सबसे पहले जो हरा चना है इसको हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो ये मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और ये देखिए हरा चना जो मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसे हम गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद में हमें इस चने को यहाँ पे भूनना है। तो तेल गर्म हो चुका है हमारा, और अब मैं यहाँ पे जो चने को मैंने पीस के रखा है उसको मैं यहाँ पे भून लूंगी। तो मीडियम फ्लेम पे हमें ये सारा काम करना है, और चने को हमें एक इसका कलर आ जाएगा, हल्का लाइट ब्राउन कलर इसका आएगा। मैं चने को, बहुत लोग होते हैं जब निमोना बनाते हैं तो इतना ज़्यादा मटर हो या ये चना उसको इतना भूनते हैं कि इसका एक एक दाना अलग हो जाए, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। मैं इसको लाइट भूनती हूँ बस इसका कलर चेंज करने के लिए। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। अब देखिए कलर्स का चेंज हो गया है, तो मुझे बस यही कलर चाहिए। और नीचे से जब ये लगने लगे और ये सारा तेल इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हमारा ये चना भून के रेडी है। इसको मैं निकाल लूँगी एक बोल में। तो मैं इतना ही भूनती हूँ, अगर आप और ज़्यादा भूनना चाहते हैं तो इसको आप और भी ज़्यादा भून सकते हैं कि इसके दाने दाने अलग हो जाएँ, बट मैं इतना ही इसे भूनती हूँ। और अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है तेल, और तेल हमारा गर्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मेथी दाना सीड्स, इसे भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फटाफट से क्रश किया हुआ प्याज। मेथी दाना में जब भी आप डालें तो उसको बस हल्का सा ब्राउन होने के बाद ही आपको प्याज डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जल जाती है तो हमारी सब्जी में कड़वापन आ जाता है। तो इसको हमें ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, ताकि दोनों साथ में अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। तो इसका कलर वाइट से जब ब्राउन हो जाएगा तो ये देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है। और अब मैं यहाँ पे अपने जितनी भी ड्राई स्पाइसेस हैं वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और इन मसालों के साथ में हमें इसे भूनना है। कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी, ताकि सारे मसाले कुक हो जाएं। आपको पता ही है कि मसालों को कुक करने के लिए मैं पानी यहाँ पे ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और हमारे मसाले हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में मतलब मिक्स हो जाते हैं। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो आइए चेक करते हैं मसालों को। तो ये देखिए कलर, ये होता है भूनने का, एक जो हमें कहते हैं ना फल मिलना, तो ये होता है भूनने का तरीका कि इसका कलर देखिए आप, और ऑयल पूरा छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाल मिर्चें और आलू यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो इन आलूओं को भी हमें इस मसाले के साथ में भूनना है। तो मैं मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको रखूँगी, ताकि हमारे आलू भी इसके साथ में भून जाएं। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ बस 2 मिनट के लिए।
तो 2 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं हम। आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि कितनी अच्छा कलर छोड़ा है सब्जी ने, आप ये देखिए। बस भुनने का हमें यही एक कलर और एक जो खुशबू जो मिलती है, ये फायदा होता है सब्जियों को अच्छे से भुनने का। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये हरा चना, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर आप और ज़्यादा भूनना चाहें तो और लो फ्लेम पे आप इसको 5 मिनट के लिए इन मसालों के साथ में निमोने को भूनने दें, कि ये नीचे से हल्का सा लगने लगे, जैसे भूनने के समय जो एक चिपकने लगता हो, साइड से पूरा तेल छोड़ दे। तो मैं इसको रख रही हूँ। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं, और आइए चेक करते हैं। देखिए 4 मिनट में ही इसने पूरा तेल साइड से छोड़ दिया है, और यही बताता है कि हमारी सब्जी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो इसको मैं अब चला दूंगी, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आप सूंघ नहीं सकते, बट मुझे यहाँ पे आ रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो ये सब्जी ग्रेवी वाली बनती है, तो इसमें पानी हमें ऐड करना है ग्रेवी के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको चला देती हूँ ताकि नीचे से लगने ना लगे, वैसे तो ये मीडियम फ्लेम पे है। तो इसमें ग्रेवी अभी हम और लगाएंगे, क्योंकि ये तो अभी बहुत कम ग्रेवी है, इसमें अच्छी ग्रेवी लगती है। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रेवी लगा दी है, और इसको मैं अब चला दूंगी ताकि ग्रेवी में ये सारा सारा कुछ मिल जाए। और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने दूंगी, ताकि जो ये पानी है ये एक गाढ़ी सी ग्रेवी में चेंज हो जाए। अभी तो ये पतला पतला पानी सा दिख रहा है, बट अभी जब 5 से 7 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, तब आप देखिएगा कि ये कितना बढ़िया इसका गाढ़ापन आता है। और आइए अब देखते हैं, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आया, और आप ये देख सकते हैं पूरा तेल इसने छोड़ दिया है, और ग्रेवी में हमारी एकदम गाढ़ापन बहुत बढ़िया सा आ गया है। जितना गाढ़ापन मुझे चाहिए अपनी ग्रेवी में, उतना ही गाढ़ापन आया है। अगर आपको और गाढ़ी करनी है तो आप इसको थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं, बट मुझे इतना ही चाहिए। और हमारे आलू भी गल चुके हैं, तो मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको थोड़ा सब्जी पतली लगे तो आप उसको कुछ देर और कुक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पत्ता, आप इसमें थोड़ा देसी घी भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू तो आती ही है और साथ में फ्लेवर भी बढ़ जाता है। अब इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी, तो मैंने यहाँ पे बोल में निकाल दिया है, और यहाँ मैंने डाल दिया है देसी घी, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और हमारी रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। इसको आप गरम गरम राइस और रोटी के साथ में सर्व करें, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आप अपने घर में सबको बनाएं, खिलाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय।